ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर जेवर क्षेत्र के विधायक माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने जेवर क्षेत्र के नजदीक गांव चरौली में पहुंचकर गांव के मुख्य मार्ग व चरौली गांव के पड़ोसी गांव थोड़ा गांव को जोड़ने वाले 2.5 से 3 किलोमीटर लंबे मुख्य मार्ग का छोटी बच्ची द्वारा फीता कटवाकर सड़क निर्माण का उद्घाटन व चरौली गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर नगर निगम व जल बोर्ड से पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए आश्वासन दिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए गौतम बुद्ध नगर से देवेंद्र सिंह के साथ समीर खान की खास रिपोर्ट। सभी गांवों में बहुत विकास कार्य कराए जा रहे हैं कि गली पे नजर है। सर सर एक बात, एक आने वाला समय जेवर विधानसभा का युग है और विकास की दृष्टि से यह विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा हो, इसी प्रयास के साथ इस विधानसभा में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सर एक क्वेश्चन और सर, सर गांव वालों का कहना है सर कि गांव में पानी की टंकी होने के बावजूद भी गांव वालों को पीने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर हैंडपंप से पानी लगा के पीना पड़ रहा है, इसमें क्या कहना चाहोगे? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना हो चुकी है और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की योजना बना ली जाए और उसे मूर्त रूप दिया जाए। आने वाले समय में हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना इस सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में रखा है, बहुत जल्दी इस कष्ट से लोगों को निजात मिलेगा। लेकिन सर गांव में एक पीने के लिए पानी की टंकी बनी हुई ऑलरेडी है, तो उसमें गांव वाले का कहना है सर कि महीने में एक या दो बार चालू होती है, उसका पानी भी ठीक नहीं है, इस पर क्या कहना चाहोगे सर आप? इसी प्राधिकरण से बात करके, चूंकि अधिसूचित गांव में यमुना प्राधिकरण उस टंकी को चलाने की व्यवस्था करेंगे, इसके लिए आने वाले समय में गांव वालों को स्वच्छ पेयजल मिले व्यवस्था।